हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यूज तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जाएंगे और कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन के बेसिस पे एम आपको पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो नोटिफिकेशन होंगे वो टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगेंगे तो आप इस सेशंस को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल बेस एमसी की उससे आज का क्वेश्चन नंबर वन द तो वेरिएबल कॉस्ट इज रूपीज ट्वेंटी फाइव लैक्स फिक्स कॉस्ट इज रूपीज सिक्स लैक्स सेल्स रुपीज़ फोर्टी लैक्स इंटरेस्ट इज़ रुपीज थ्री लैक्स द ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी देखो ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पे पूछा गया है सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो आपको फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो याद रहना चाहिए जैसे कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वी गेट दी आंसर एस प्रॉफिट राइट ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट था लेकिन लीवरेज की अगर बात करें तो लीवरेज में कैसे इसको यूज करना है काफी सिंपल कैलकुलेशन है एंड दिस सिंपल कैलकुलेशन ओनली वी हैव टू रिमेंबर ठीक है तो अभी अगर हम इसको बात करें तो ये सेम टू सेम फॉर्मेट यूज होने वाला है प्रॉफिट के जगह पे मैं सिर्फ यहां पे क्या लिखूंगा ईबीआईटी EBIT में से हम क्या माइनस करेंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वी विल गेट आंसर PBT तो PBT मिल जाएगा फिर PBT में से हमें क्या माइनस करना है टैक्स माइनस करना है तो हमें फिर फाइनल आंसर मिलेगा पीए टी विच इज कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंट को माइनस करते हैं तो फाइनली वी विल गेट द आंसर एज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है अब इसमें हमें क्या क्या चीजें दी है वो पहले देख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है इज द वेरिएबल कॉस्ट ओवर हिस्सर फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपके पास सिक्स लैक्स दिया हुआ है और सेल्स भी आपको दिया हुआ है फोर्टी लैक्स का सेल्स इज गिवन टू यू ठीक है तो काफी सिंपल कैलकुलेशन है आपको क्या करना है फोर्टी लैक्स में से ट्वेंटी फाइव को माइनस करना है तो वी विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन दैट विल बी फिफ्टीन लैक्स तो फिफ्टीन लैक्स इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फिफ्टीन लैक्स में से अगर हम सिक्स लैक्स को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा नाइन लैक्स और वो हमारा ई बी आई टी होगा बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बनता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी सो वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस पार्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन इज फिफ्टीन लैक्स तो 15 लैक्स को आपको डिवाइड करना है ई के साथ एंड दैट इज 9 लैक्स तो वेरी वेरी सिंपल 15 लैक्स को आपको क्या करना है 9 लैक्स के साथ डिवाइड करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड द आंसर विल बी वन पॉइंट सिक्स आता है दैट इज वन पॉइंट सिक्स सेवन विल बी द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर क्वेश्चन नंबर वन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इफ द करंट रेशियो इज टू इज टू वन करंट लाइबिलिटीज इज सिक्स लैक्स देन द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स विल बी तो यहां पे आपको करंट असेट्स पूछा है सबसे पहले अगर हम बात करें तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सो द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज इट्स वेरी सिंपल तो रेशो लिख लेते हैं टू इज टू वन का रेशो दिया है करंट असेट्स हमें ढूंढने हैं तो करंट असेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं करंट लाइबिलिटीज यहां पे कितने दिए हैं करंट लाइबिलिटीज इज गिवन टू यू एस सिक्स लैक्स अगर आप सिक्स लैक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स लैक्स मल्टीप्लाइड बाई टू एंड देंसर विल बी ट्वेल्व लैक्स तो ट्वेल्व लैक्स आपका क्या बन जाएगा करंट असेट्स यहाँ पे बन जाएगा ट्वेल्व लैक्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू आर एंजॉइंग दिस टाइप ऑफ सेशंस बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को हमने रिवाइज़ किया है ये पार्ट फाइव है इसके पहले हमने फोर सेशंस ऑलरेडी लिए हैं सबका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारे वीडियोज़ को और ये सारे पी जो है वो मैं ऐप में शेयर करने वाला हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है डाउनलोड करें ऐप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस होंगे वहाँ पे टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन if the gp ratio of the b limited is 25% and gross profit is rupees 12 lakhs the value of the sales will be देखो छोटा सा क्वेश्चन है अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक इक्वेशन की सेल्स माइनस सीओ सेल्स माइनस सीओजीएस अगर आप करते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है अभी यहां पे देखो क्या करते हैं यहां पे जीपी दिया है तो अगर मैं इसको ऐसे लिखो सेल्स माइनस सीओ ट देंसर एज ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन टू यू ट्वेल्व लैक्स ठीक है काफी सिंपल है अगर हम सेल्स को हंड्रेड कंसिडर करें जीपी इज ट्वेंटी फाइव तो सीओजीएस कितना होगा आपका सीओजीएस बनेगा सेवेंटी फाइव ठीक है तो आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स 25 परसेंट की वैल्यू अगर 12 लाख आपको दी है सबसे सिंपल कैलकुलेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर ढूंढ लो वी नीड टू कैलकुलेट सेल्स 25 परसेंट की वैल्यू अगर 12 लाख है तो 100 परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव एंड गेट दी आंसर ओवर हियर एज फोर्टी एट तो फोर्टी एट आपका सेल्स इस क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कभी सेल्स पूछ सकते हैं इन सम और द अदर क्वेश्चन दे में आस्क यू सम और द अदर क्वेश्चन दे में आस्क यू जी पी ऑल्सो तो एक ही इक्वेशन याद रखना है सेल्स माइनस सीओजीएस गेट द आंसर एज ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट क्वेश्चन द इफ द स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज टेन टाइम्स सीओजीएस इज रुपीज थर्टी सिक्स लैक्स देन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक विल बी तो यहाँ पे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो आपको दे दिया है और आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बहुत ही क्लियर होना चाहिए स्टॉक टर्न ओवर रेशियो जिसके लिए आई हैव द शॉर्ट फॉर्म एस टी आर स्टॉक टर्न ओवर रेशो का फॉर्मूला होता है सी ओ जी एस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज स्टॉक वी कैलकुलेट एवरेज स्टॉक बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई टू अस सब्स्टिट्यूट What information is given in the question? The question says that stock turnover ratio is 10 times. So I will be writing over here 10 equal to COGS kitna hai hamare paas COGS hai hamare paas 36 lakhs. तो so, 36 six lakhs को हम divide करेंगे हमारे average stock के साथ. But basically यहाँ पे opening और closing stock नहीं दिया है मतलब average stock की को हम assume करेंगे हमारे closing stock. तो अभी हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक तो क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा थर्टी सिक्स लैक्स को आप अगर टेन से डिवाइड कर लोगे तो यू विल गेट दी आंसर एज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड एंड दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक तो राइट right आंसर आपका बनेगा थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे और सब्सक्राइब भी कर ले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

अब यहाँ पे ई के बारे में पूछा है ई का फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंट तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस डिविडेंट को माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बट सिंस वी आर नॉट हैविंग द प्रेफरेंस डिविडेंट यू विल बी डायरेक्टली सब्सटीट्यूटिंग ई का आंसर दे दिया है ट्वेंटी तो ट्वेंटी इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है टू लैक्स दिया है टू तो लैक्स में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं डायरेक्टली प्रेफरेंस डिविडेंट हमारे पास नहीं है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें कैलकुलेट करना है बराबर तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में वैसे ही लिख रहा हूं तो टू लैक्स को अगर हम टेन से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा दैट विल बी टेन थाउजेंड ठीक है टेन थाउजेंड क्या मिले टेन थाउजेंड शेयर्स मिले बट हमें क्या पूछा है हमें पूछा है वैल्यू ऑफ इक्विटी तो कैसे मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू टेन थाउजेंड हमारे शेयर्स है फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का हंड्रेड रुपीज तो टेन थाउजेंड को अगर हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा टेन लैक्स एंड टेन लैक्स इज दी राइट आंसर एंड दैट विल बी योर इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट तो राइट आंसर आपका बनेगा टेन लैक्स काफी सिंपल कैलकुलेशन है ओनली बेसिक्स है फॉर्मूला इसीलिए मैं सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल अर्निंग पर शेयर आपको दिया है अर्निंग पर शेयर दिया है फोर रुपीज का डिविडेंड पे आउट भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे 25%. फिर market price is also given to you. काफी ग्रोथ रेट uh, दिया है यहाँ पे एट परसेंट का कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही यूनिट टू कैलकुलेट तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें केई का फॉर्मूला क्या है ग्रोथ भी दिया है तो केई का फॉर्मूला यहां पे बनेगा डिविडेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू हंड्रेड प्लस ग्रोथ तो दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट के फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ईपीएस अब हम डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करें तो डिविडेंट कैसे कैलकुलेट करना है देखो डिविडेंट पे आउट रेशियो कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट और ईपीएस कितना है फोर तो हमें क्या करना है डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए फोर का ट्वेंटी फाइव परसेंट डिविडेंट पे आउट रेशियो है तो डिविडेंड विल बी रुपीज वन कितना आएगा रुपी वन का डिविडेंड आ जाएगा तो डिविडेंड पे आउटो इज ट्वेंटी डिविडेंड विल बी रुपीज वन अब हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है डिवाइडेड मार्केट मार्केट इज इज क्वेश्चन इन टू हंड्रेड प्लस ग्रोथ कितना दिया है प्लस आपको ग्रोथ दिया है एट परसेंट ठीक है तो इसको आप सॉल्व कर लेना पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना प्लस इसमें एट करना ठीक है इसको कैसे सॉल्व करना है कन्फ्यूज मत हो जाना तो कैसे सॉल्व करना है वन डिवाइडेड बाई फोर्टी इन टू हंड्रेड करना है और जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें आपको एट प्लस कर देना है तो योर आंसर विल बी टेन पॉइंट फाइव परसेंट एंड दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ के ई तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें कैलकुलेट करके मिल गया एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव परसेंट राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे Next question में जाते हैं बी कॉस्ट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज सिक्स लैक्स द टैक्स इज फिफ्टी परसेंट कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढना है मतलब होता है के डी फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ब्रैकेट वन माइनस टैक्स काफी सिंपल कैलकुलेशन तो देखो कैसे होगा इंटरेस्ट का परसेंटेज लिखना है अमाउंट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है ट्वेल्व ब्राकेट में वन माइनस फिफ्टी परसेंट इसको कैसे सॉल्व करना है 1 -50 पहले करना है और इंटू ट्वेल्व कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट विल बी द वैल्यू ऑफ के डी दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट राइट आंसर ओवर हियर विल बी सिक्स तो सिक्स परसेंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन एंड योर कंसेप्ट आर गेटिंग क्लियर बाय दिस एमसीक्यू सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ई बी आई टी ऑफ सुशील लिमिटेड इज फिफ्टीन लैक्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड टैक्स रेट इज फिफ्टी परसेंट प्रेफरेंस डिविडेंट इज टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विल कैसे करना है ई बी आई टी हमारे पास अवेलेबल है ई बी आई टी में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो वी गेट दी आंसर एज पी बी टी दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर हम टैक्स को माइनस करते हैं तो वी गेट दी आंसर एज पी ए टी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम क्या करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे तो वी विल गेट दी आंसर एज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर सो लेट अस सब्सटीट्यूट नाउ Ebit is given to you as 15 lakhs, so I have written 15 lakhs over here. Interest on debentures is also given to you as 1 lakh 75 thousand. So, तो सबसे पहले minus कर लेंगे 15 lakhs में से अगर आप 1 lakh 75 thousand को minus करते हो तो आपको profit before tax का answer मिल जाएगा 13 lakh 25 thousand. Tax का percentage कितना दिया है 50 परसेंटेज is the tax का rate. तो so, tax का percentage is 50 percent, तो यहाँ पे आपको tax मिल जाएगा सिक्स lakh थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आएगा सिक्स सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपको दिया है क्वेश्चन में एंड दैट इज टू लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या करना है हमें माइनस करना है टू लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इफ यू डिडक्ट विल गेट द आंसर एज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दैट विल बी फोर थर्टी सेवन थाउजेंड

प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज फिफ्टी थाउजेंड टेन परसेंट डिबेंचर इज फाइव लैक्स द ई बी आई टी विल बी ठीक है आपको क्या कैलकुलेट करना है आपको ई बी आई टी कैलकुलेट करना है ई बी आई टी ठीक है ई बी आई टी ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट क्या मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है और इसके आगे लेस टैक्स है बट टैक्स का हमको इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है यहाँ पे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है आपको फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है टेन परसेंट डिबेंचर्स एंड द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स इज फाइव लैक्स तो अगर आप फाइव लैक्स के ऊपर टेन परसेंट कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट आंसर एज इंटरेस्ट एंड दैट विल बी फिफ्टी थाउजेंड तो दिस फिफ्टी थाउजेंड प्लस दिस फिफ्टी थाउजेंड प्लस करना है तो आपको ई बी आई टी मिल जाएगा वन लाख ज दी आई टी देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था लेकिन हमें ऐसी डिफिकल्ट लगती है, हमारा ही नहीं है. तो ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट गेट दीबीटी तो पीबीटी दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट यूल गेट द आंसर एज ई बी आई टी तो आपका राइट आंसर यहां पर बनने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज वन लैक वन लैक विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं द करंट करंट्स इज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड द करंट लाइबिलिटीज इज टू लैख फाइव थाउजेंड द करंट रेशियो इज इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता बिकॉज काफी सिंपल है करंट रेशियो इक्वल टू करंट करंट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी एवरीथिंग इज गिवन टू यू जस्ट सब्सिट्यूट एंड कैलकुलेट द आंसर अकॉर्डिंगली करंट इज गिवन टू यू एज फोर लैख्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज इज गिवन टू यू एज टू लैख फाइव थाउजेंड इफ यू डिवाइड दिस दिस गेट दी आंसर एज टू पॉइंट ट्वेंटी और हम हमेशा रेशो के आगे वन लिखते हैं टू पॉइंट ट्वेंटी इज टू वन द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टेन डेट्स इट फ्रॉम दिस सेशन तो ऐसे ही सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताए और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन अगले आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम बेसिस पे ऐप डाउनलोड कर ले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि सारी चीजें आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर